करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भिलाई में आज शाम को पानी नहीं आएगा, आज एक ही टाइम पानी आएगा और भिलाई वासियों को दिक्कत उठानी पड़ सकती है। शटडाउन होने से टंकियां नहीं भरेंगी, 66-77 एमएलडी फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस किया जाएगा और ये इसी वजह से इस टैंक के आसपास के इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। आज एक ही टाइम पानी मिलेगा और ऐसे में भिलाई वासियों को दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। शटडाउन होने से टंकियां नहीं भरेंगी और जब टंकियां नहीं भरेंगी तो पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है और इसी सिलसिले में भिलाई वासियों को एक बार फिर से पानी की किल्लत हो सकती है, जिसमें कि आज एक ही टाइम सिर्फ पानी मिलेगा। बाकी कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करके आप रखें, कम पानी का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा खर्च ना करें और जितना पानी बचाएंगे उतना पृथ्वी बचाएंगे। और ऐसे में भिलाई में जब पहले से ही पानी की किल्लत है तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कैसे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर उसे बर्बाद किए। शटडाउन होने के कारण पानी की जो सप्लाई है वो टैंक तक नहीं हो पाएगी और टैंक तक नहीं हो पाएगी तो घरों में भी पानी की जो सप्लाई है वो होने में थोड़ी समस्या होगी। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आए दिन मेंटेनेंस की वजह से पानी की किल्लत भिलाई वासियों को होती है, ऐसे में सवाल ये है कि एक बार में मेंटेनेंस कार्य का सफल नहीं होता कि आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर शटडाउन कर दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये आखिरकार वजह क्या है कि बार बार शटडाउन किया जाता है और मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। एक महीने के अंदर यदि बात किया जाए तो 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है कि जब लोगों को भारी असुविधा महसूस करना पड़ा है क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर जो है वो शटडाउन लिया जाता है और शटडाउन लिया जाने के कारण लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। एक बार फिर से शटडाउन आज लिया जाएगा, आज सुबह पानी की तो सप्लाई होगी लेकिन शाम को लोगों को पानी नहीं मिलेगा क्योंकि संपूर्ण शहर में जो लोगों की प्यास बुझाता है 66-77 एमएलडी फिल्टर प्लांट, वहां पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा, बिजली संबंधी कार्य किया जाना है। इस वजह से जो शहर की पानी टंकियां वो नहीं भर पाएंगी और पानी की टंकियां नहीं भरने पड़ने के पानी के कारण लोगों के घरों तक जो है पानी सप्लाई होता है वो पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। इसका रास्ता यही है कि लोग पानी को बचाकर चलें ताकि उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि निगम प्रशासन ये जरूर दावा करता है कि जहां कहीं भी ऐसी पानी की किल्लत की जहां समस्या आएगी वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब निगम के पास में इतने संसाधन मौजूद नहीं है कि वे लोगों के हजारों लोगों की प्यास बुझा पाए तो वो किस तरह से लोगों की प्यास बुझा पाएगा क्योंकि टैंकर ही मौजूद नहीं है। तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से जो निगम प्रशासन है लोगों को राहत देता है और यदि असुविधा से बचना है तो सीधा लोगों को ही जागरूक रहना पड़ेगा और अपना पानी बचाकर रखना होगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाएं क्योंकि अभी कितने दिनों तक ये शटडाउन रहेगा ये भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब एक नज़र सुपरफास्ट खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में लापरवाही पर एक्शन, 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड, 4 को नोटिस। जबलपुर में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन, देश विदेश के सैकड़ों कारोबारी जुटेंगे। खंडवा में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों पर केस दर्ज, 4 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ। इंदौर में हत्या के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन, आरोपी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भिलाई में आज शाम को नहीं आएगा पानी, फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस के चलते परेशानी, शहर की टंकियां रहेंगी खाली। भोपाल में आज बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक, संघ संगठन और सरकार के प्रमुख नेता शामिल होंगे। शाहजहांपुर के होटल में शराब के नशे में एसआई ने किया हंगामा, घटना का सीसीटीवी आया सामने, एसआई को एसपी ने किया सस्पेंड। बैतूल में तेज रफ्तार कार ने पुलिस जीप को मारी टक्कर, 2 पुलिसकर्मी घायल, कार ड्राइवर फरार। नर्मदापुरम में पटवारी संघ की हड़ताल के बाद प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई, 8 पटवारियों को किया गया निलंबित। धार भूशाला विवाद में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश वापस लेने की मांग।
ग्वालियर में स्कूटी से चुराए 90,000 रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। निवाड़ी में किसान से रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो वायरल, वीडियो के आधार पर पटवारी निलंबित। भोपाल में जयस को बड़ा झटका, महेंद्र कन्नौज बीजेपी में शामिल, जयस के संस्थापक नेता है महेंद्र कन्नौज। नीमच में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई, 32 बीघा जमीन पर हटाया अवैध अतिक्रमण। इंदौर बैंक में लूटकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 45,000 कैश जब्त। पूर्वा में तालाब में डूबने से मासूम की मौत, खेलते समय तालाब में डूबा था मासूम। सागर में टमाटर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, आसपास मौजूद लोगों ने लूटे टमाटर, मौके पर पहुंची पुलिस। खंडवा में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, दो घायल। सतना में आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों की मौत, बारिश के चलते पेड़ के नीचे रुके थे युवक। उज्जैन में बच्चों के विवाद में फायरिंग, रिटायर्ड आर्मी के जवान ने मारी गोली। खरगोन में न्यूज 18 की खबर का असर, रिश्वत लेने वाली प्रधान अध्यापिका सस्पेंड। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, झोलाछाप डॉक्टरों को की दो क्लिनिक सील। बिलासपुर सिम्स में महिला से छेड़छाड़, सीनियर डॉक्टर ने की मरीज की बहन से छेड़छाड़, कलेक्टर से लगाई इंसाफ की गुहार। इंदौर में बीच सड़क पर युवक की चाकू से गूंथकर हत्या, हत्या करने वाले लिस्टेड बदमाश युवक का पड़ोसी हुआ था विवाद। अंबिकापुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी सहित 7 साल के मासूम की मौत। धमतरी में शराब भट्टी में जमकर मारपीट और चाकूबाजी, घायल हालात में युवक ने पुलिस को बताई घटना। कोंडागांव में मवेशी तस्करों पर एक्शन, कंटेनर से 35 मवेशी किए गए बरामद। धमतरी में कांग्रेसियों ने दीपक बैज के सामने किया हंगामा, कांग्रेस की कलह आई सामने। रीवा में मासूम की हत्या का खुलासा, मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी मासूम की हत्या, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। मुरैना में मंदिर की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, 4 मकान और 10 दुकानों पर चला बुलडोजर। मुरैना में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, टीम पर अतिक्रमणकारियों ने किया पथराव, 3 महिला घायल। बिलासपुर में फिर हुआ बुलडोजर का एक्शन, सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। जबलपुर में सड़क किनारे खड़े हाईवा से टकराया ट्रक, हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। जांजगीर चांपा में गद्दे की दुकान में लगी आग, 5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। धमतरी में स्कूल का गेट और बाउंड्री वॉल गिरी, हादसे में छात्रा की मौत। बलरामपुर में कुल्हाड़ी मारकर पति ने की पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद में की गई हत्या। इंदौर के खजराना मंदिर में अश्लील हरकत, दुकानदार ने नवविवाहिता का वीडियो बनाया। दतिया में पत्नी को प्रेमी संग देखकर पति ने किया कुल्हाड़ी से हमला, मौके पर पत्नी की मौत। बुरहानपुर में भारी बारिश से सड़क बदहाल, कंधे पर मरीज को 5 किलोमीटर तक ले जाते दिखे ग्रामीण। कोंडागांव में पुलिस ने बरामद किया नक्सली सामग्री का जखीरा, गश्त पर निकले जवानों ने बरामद किया सामान। पन्ना में 24 बाराती फूड प्वाइजनिंग के हुए शिकार, 16 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। जबलपुर के गोदाम में हुआ ब्लास्ट बना रहस्य, मौके पर नहीं मिले बारूद के कण, पुलिस फॉरेंसिक बीडीडीएस की टीम कर रही जांच। ग्वालियर में सड़क पर घूम रहे बकरी चोर, रास्ते में चलते फिरते करते हैं बकरियों की चोरी, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ग्वालियर में बैग में मिला 3 साल के मासूम का शव, रस्सी से बंधे थे बच्चे के हाथ और पैर, जांच शुरू। मुरैना में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सुसाइड नोट में दहेज के लिए मारपीट की बात। मुंगेली में शिवनाथ नदी में प्रदूषित पानी आने से वीएचपी का हंगामा, वाइन फैक्ट्री के मालिक पर एफआईआर की मांग। बिलासपुर में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत, मां की भी हालत गंभीर, गंभीर हालत में सिम्स रेफर। कवर्धा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। बलरामपुर में दादी की हत्या मामले में पोते को आजीवन कारावास, टांगी से मारकर की थी दादी की हत्या। ग्वालियर में प्रतिबंध के बाद भी रील बनाई जा रही है, मांढेर मंदिर की सीढ़ियों पर रील बनाती नजर आई युवती।
ग्वालियर में 9वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, घटना के दौरान बनाया गया वीडियो अब वायरल, 3 दोस्तों पर गैंगरेप का है आरोप। विदिशा में नदी में डूबने से मजदूर की मौत, नहाते समय नदी में डूबा एक मजदूर, शव बरामद। खंडवा में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर माहौल गर्म, राष्ट्रभक्त और युवा मंच ने किया प्रदर्शन। बालाघाट में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ी, नौकरी के लिए पैसे मांगने का लगा आरोप। जांजगीर चांपा में नवविवाहिता युवक ने की खुदकुशी, मायके गई पत्नी से मिलकर आया था युवक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। छत्तीसगढ़ में परिसीमन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, महापौर ने बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। जशपुर में घर में बैठकर जुआ खेल रहे 3 जुआरी गिरफ्तार, जुआरियों से 27,000 रुपए बरामद। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में एसीबी की रेड, बीएमओ को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सीहोर के लाड़कुई में सागौन का तस्कर गिरफ्तार, 7 लाख की सागौन की सिल्लियां जब्त की गई। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को मिली जान से मारने की धमकी, फोन पर मिली धमकी, कानपुर के नंबर से आया था फोन। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए जवान, एर्रामेटा के जंगल में हुआ आईईडी ब्लास्ट। दंतेवाड़ा के किरंदुल में मुठभेड़, मारी गई महिला नक्सली की शिनाख्त, महिला नक्सली पर था 5 लाख का इनाम। जशपुर में ग्रामीण का हाथियों से हुआ सामना, 3 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा ग्रामीण। पेंड्रा में हाथियों ने मचाया उत्पात, मरवाही रेंज में हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। बैतूल में बारिश ने कंडम बसों की खोली पोल, बस की छत से पानी गिरने से वीडियो वायरल। जगदलपुर में झमाझम बारिश से ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल, कई वार्ड हुए जलमग्न। कोंडागांव में हुई झमाझम बारिश, रुक रुक कर तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट, 5 राज्यों में फैले रैकेट में 8 लोगों की गिरफ्तारी। एयर इंडिया की फ्लाइट की रूस में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, कई घंटों रूस में भूखे प्यासे फंसे हैं भारतीय नागरिक। गुजरात में बढ़ता ही जा रहा है चांदीपुरा वायरस का कहर, राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत। वडोदरा में डभोई रोड पर हादसा, लड़की को बचाने के प्रयास में फायर ब्रिगेड का टैंकर ही पलट गया। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक कानून किया रद्द, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 निरस्त करने की जानकारी दी। असम सरकार के फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान, कहा असम के मुख्यमंत्री मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं। झारखंड में कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा एक आदमी सुपरमैन बनना चाहता है, फिर एक देव और फिर भगवान। मोहन भागवत के बयान को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर निशाना साधा, जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, यकीन है स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल पीएम को इसकी खबर मिल गई होगी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश, बारिश में बहा राष्ट्रीय राजमार्ग, पानी के तेज बहाव के चलते टूटा संपर्क। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से हाहाकार, इलाके में 13 लोगों का रेस्क्यू हुआ। गुजरात के गिर सोमनाथ में उफान पर शिंगोड़ा नदी, जमजीर वाटरफॉल से गिर रहा बेतहाशा पानी। गिर सोमनाथ के वेरावल में एक ही दिन में 6 इंच बारिश से लोग बेहाल, सोमनाथ मंदिर के पास स्विमिंग पूल में तब्दील हुआ शॉपिंग सेंटर। गुजरात के द्वारका में पानी के बहाव में फंसी कार, स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से कार सवार को बचाया। कच्छ के मांडवी में बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया है, मांडवी लकड़ी बाजार की सड़क पानी में डूब चुकी है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद खेत से लेकर सड़क तक पानी ही पानी, बाल जैसे हालात। कर्नाटक के अंकोला में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, स्थानीय प्रशासन के भरोसे लोग। गुजरात के अमरेली में नदियों में आई बाढ़ से कई गांव पानी में डूबे हैं, सड़क के दोनों किनारे नदी में बहे। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, सड़कों पर जमा हुआ घुटने तक पानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से फिर बंद हुआ नेशनल हाईवे, 3 दिनों से भारी लैंडस्लाइड से कई जगह
टनकपुर हाईवे बंद। तमिलनाडु के नीलगिरी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सैकड़ों पेड़ उखड़ कर मलबा हटाने का काम तेज। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 32 लोगों की मौत। सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन। इसराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव में जोरदार धमाका, विस्फोट के बाद उठता दिखा भयंकर धुआं। हमास से जंग के बीच गाजा में इसराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुलाकात कर सैनिकों का बढ़ाया हौसला। इसराइल की सेना ने किया हिजबुल्ला के कमांडर हसन अली मुहन्ना के खात्मे का दावा। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। अमेरिकी देश इक्वाडोर में बढ़ती ही जा रही है जंगलों में लगी आग। अब तक 140 हेक्टेयर जंगल भीषण आग में जलकर राख हो चुके हैं। विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज थिएटर्स में रिलीज। नए कॉन्सेप्ट वाली फिल्म है वन टाइम वॉच। सोशल मीडिया पर शाहिद ने अपनी अगली फिल्म देवा का फर्स्ट लुक शेयर किया। 14 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। शादी के सवाल पर श्रद्धा कपूर बोली, वो स्त्री है, जब चाहेगी तो शादी कर लेगी। राहुल मोदी को डेट कर रही है एक्ट्रेस। एक्ट्रेस तब्बू की हॉलीवुड सीरीज ड्यून प्रोफेसी का नया टीजर रिलीज। तब्बू सिस्टर फ्रांचेस्का का दमदार रोल निभाती नजर आने वाली है। दिलजीत दोसांझ पर लगा आरोप, टूर में देसी डांसर्स को नहीं दिए पैसे। डेविड बेकहम के साथ सिद्धार्थ ने शेयर की थ्रोबैक फोटो, सोशल मीडिया पर वायरल। रामचरण ने देश का बढ़ाया मान, मेलबर्न में फहराएंगे तिरंगा, सिनेमा में योगदान के लिए मिलेगा सम्मान। एक्टर कृष्ण कुमार की बेटी तिशा का 20 साल की उम्र में निधन, हारी कैंसर से जंग। और अब खबरें विस्तार से। धमतरी में कांग्रेस की कला खुलकर सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जिला कांग्रेस के भवन में दीपक बैज की बैठक में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगे। छत्तीसगढ़ में परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। रायपुर महापौर ने कहा है कि गलत तरीके से कांग्रेस वार्डों से वोटर्स हटाए गए तो इसका हम जमकर विरोध करेंगे, परिसीमन के जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि वार्डों का परिसीमन निगम और प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद आरोप बताया है। दृष्टिकोण यही है कि पार्षद के अच्छे क्षेत्रों को जहां उसका अच्छा प्रभाव है उस प्रभाव के क्षेत्र को काट दिया जाता है। तो इस तरीके के अगर वो ना होगा तो हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और ये इसमें अगर कुछ खेल होगा तो फिर हम लोग फुल इसका विरोध भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। जो नियम प्रक्रिया है उन नियम प्रक्रियाओं के अनुसार ही वार्डों के सीमांकन की प्रक्रिया चल रही है। मुंगेरी में एसपी ऑफिस परिसर में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस आरक्षक मुकेश मिश्रा ने सांप का रेस्क्यू किया है और सांप को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। पार्किंग व्यवस्था होते हुए अधिकारी कर्मचारी पार्किंग के बाद आगे चले। तो नव आरक्षक मुकेश मिश्रा के द्वारा इनको बाहर निकाला जा रहा है व्यवस्थित ढंग से, ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुँचाए। चाहिए उत्साहवर्धन हेतु कम से कम कुछ इनाम देना चाहिए। जांजगीर चांपा के अनुराग टिंकू शुक्ला स्नेकमैन के नाम से जाने जाते हैं। 15 साल से जहरीले सांपों का रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। बरसात के दिनों में सांप घरों में घुस जाते हैं, एक फोन पर घर जाकर सांपों को पकड़ते हैं। लोगों को साथ साथ सांप को भी नया जीवन
दान देने में वो माहिर हैं। अनुराग टिंकू शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो निःशुल्क शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी निःशुल्क सांप का रेस्क्यू करते हैं और सांप के साथ साथ मानव जीवन भी बचाने निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और मानव सेवा में एक अहम योगदान दे रहे हैं। जी बताएंगे, आप सांप का रेस्क्यू करते हैं तो किस तरह की सेवा देते हैं? लोगों का लगातार फोन आता रहा होगा, बरसात के दिनों हैं और अब तक आप हजारों सांप का रेस्क्यू कर चुके हैं, किस किस तरह के सांप का आपने रेस्क्यू किया है? हर प्रकार का सांप का रेस्क्यू हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा किया गया है। कोबरा, करैत, रसल वाइपर और सामान्य सांप जो डोमेस्टिक है, जो पालतू जैसे है, जैसे धमना है, वो तो कॉमन हो गया है। फोन आने पर तत्काल हमारे टीम के द्वारा 24/7 पूछा जाता है रेस्क्यू के लिए। कब से ये काम कर रहे हैं और अब तक, क्योंकि रेस्क्यू करते बहुत खतरनाक स्थिति रहता है, सांप भी गुस्सा में रहते हैं और कई बार आपको डसा भी होगा, तो वो स्थिति कैसा रहा है? वो एक डर के साथ साथ मानव जीवन आज तक चलता रहा है और डसने के बाद भी आपने ये काम लगातार कर रहे हैं, तो कितने बार आपको सांप ने डसा? विगत 15 वर्षों से मैं सांप का रेस्क्यू कर रहा हूँ हमारे सहयोगी भाइयों के सहयोग से। पिछले साल कोबरा बाइट किया था, जो फॉल्स बाइट के कारण मैं भी जीवित हूँ, और अभी इस साल जो डोमेस्टिक जैसे कि धमना है, डोढ़िया है, तो इसी महीने में 2-3 बार बाइट किया है, उसके बाद भी उसको बचाने का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। बुरहानपुर में सड़क न होने से मरीज को कंधे पर लाद कर ले जाने को मजबूर हैं लोग। बारिश की वजह से कच्ची सड़क कीचड़ में बदल चुकी है। लोग 5 किलोमीटर मरीज को ऐसे ही कंधे पर ले जाते हैं। मालवीर ग्राम पंचायत के धावटी फालिया का ये मामला है। 5 किलोमीटर चलने पर पक्का सड़क है, फिर यहां से गाड़ियों के जरिए मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। सरपंच का कहना है कि सड़क को लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। हमको ये परेशानी है कि पानी बारिश में, बारिश के दिन में हम गारा, इतना गारा होता है, पानी गिर जाता तो वहाँ रास्ता इतना जाने की सुविधा भी नहीं है, और मरीज बाइक अगर कभी रही बिलेवारी होती उसको भी हम लकड़े ऐसे ही बांधते और 2 आदमी आगे पीछे उठा के ये चीज़ में लाते, और बाइक भी नहीं चलती ये टाइम में और कुछ भी नहीं चलता, तो वो रास्ते की इतनी समस्या है हमारी कि बहुत सी ज़्यादा है, और वहाँ पर हम हर बार कार्रवाई कर रहे, बाकी कुछ रोड का कुछ नीरा करें, हो नीरा, और बहुत स्थिति खराब है आज भी।